ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वीडियो का टाइटल हमने लिख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस वीडियो हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना यार, एंड अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वीडियो को देखने बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड उसके बाद गाइस जाना आप सभी को ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे अपने जो रोप का मैंने एक पीएनजी दे रखा आप सभी को, उस रोप के पीएनजी को पहले यहाँ पे सबसे पहले ऐड करना है आप सभी को, कुछ स्टेप से नीचे की तरफ लगा लेना है, ठीक है, कुछ स्टेप से लगा लेना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है आप सभी को, इसको यहाँ पे कर देने के बाद आप सबको यहाँ पे सिंपली कर देना डन। एंड गाइस उसके बाद जाना आप सभी को अगेन ऐड फोटो में, एंड उसके बाद गाइस आप सबको यहाँ पे ये अर्थ का पीएनजी ले लेना है, ठीक है। इस पीएनजी को आप सभी को सिर्फ गाइस कैसे ऐड करना है वो मैं आप सभी को बताता हूँ। आप सभी कुछ स्टेप से इसको कोने की तरफ लगा देना कुछ स्टेप से, ठीक है, जैसे गाइस आप सभी को दिख रहा है कुछ स्टेप से यहाँ पे लगा देना है। एंड उसके बाद ज़्यादा कुछ करना नहीं आप सभी को, थोड़ा मैं और यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सभी का बैकग्राउंड जो है तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद आप सबको अब क्या करना, आप सभी को यहाँ पे मॉडल को लगा लेना है। एंड गाइस मैंने जो अपने मॉडल का बैकग्राउंड है पहले से रिस्क कर रखा है, जिसको रिस्क करना नहीं आता, मैंने कल ही एक नई वीडियो बनाई है इसके ऊपर, तो गाइस आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन में आप उस वीडियो को जाकर देख लेना, ठीक है गाइस। तो अब आप सभी को करना क्या, मॉडल को कुछ इस टाइप से यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। चाहो तो आप ऐसा पोस्ट भी कर सकते हो या फिर अदरवाइज आपको कोई और पोस्ट पसंद हो या फिर आपके माइंड में होता वो भी कर सकते हो। एंड गाइस उसके बाद आप सबको जाना ऐड फोटो में, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सबको एक ये लालटेन का पीएनजी दे दूंगा मैं गाइस, ठीक है। तो आप सबको इस पीएनजी को लेना है, एंड इस पीएनजी को आप सबको गाइस कुछ इस टाइप से अपने हैंड पे रख देना है, ठीक है। तो यार जो मतलब कि पीएनजी ना गाइस थोड़ा अच्छे से एडजस्ट हो नहीं पा रहा, क्योंकि यार ये जो मॉडल है मेरा किसी और कॉन्सेप्ट का था, तो इसलिए गाइस मैंने मतलब जैसे तैसे आप सबको समझाने के लिए मॉडल को यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, यहाँ पे कर देना है डन। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को फिर यहाँ से जाना ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे एक पीएनजी लेना है, ये वाला लाइट का पीएनजी, ठीक है। तो आप सभी को इसको क्या करना है, पहले तो इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्ट में जाएंगे, यहाँ पे ह्यू में जाएंगे, इसका जो कलर है हम इसको चेंज करेंगे, इसको हम रखेंगे गाइस ऑरेंज कलर में, ठीक है, ऑरेंज कलर में करेंगे, जैसे गाइस आप सभी को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो उसके बाद आप सभी को क्या करना है, इसको जाना इसमें और इसको स्क्रीन कर देना ब्लेंडिंग मोड में जाकर, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड में स्क्रीन कर देने के बाद आप सभी कुछ इस टाइप से आप सभी को यहाँ पे अपने लालटेन के पास बीच में लगा देना है, ठीक है। इसको लगा देने से मतलब क्या होगा कि हम ऐसे रिफ्लेक्शन आएगा कि हमारे लालटेन में से जो है लाइट निकल रही, तो हम इसको कुछ स्टेप्स रख लेंगे। एंड गाइस अगर आप सभी उसकी जो मतलब ओपेसिटी ज़्यादा लगे तो आप इसको कम भी कर लेना, बाकी यार आपकी मर्जी है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को साइड में क्लिक कर देना डन वाले ऑप्शन में डन। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे जाना दोबारा से ऐड फोटो में, ठीक है। तो यहाँ से हम दोबारा से ऐड फोटो में जाएंगे, तो हम ऐड फोटो पे क्लिक कर देते हैं, एंड यहाँ से जाएंगे हम ये वाला पीएनजी लेंगे, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर का पीएनजी, इसको हम पहले स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन कर देने के बाद हम गाइस कुछ इस टाइप से अपने हैंड के पास यहाँ पे इसको लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि मतलब कि हैंड पे हमारे रिफ्लेक्शन आ रही है इसकी अर्थ की, एंड उसके बाद इसका हम डुप्लीकेट करके हम एक इस साइड को भी लगा देंगे, ठीक है। तो इसको लगा देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको यहाँ पे सिंपली ज़्यादा कुछ करना नहीं है, डन कर देना। काफ़ी अमेजिंग हमारी फोटो यहाँ पे लग रही है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप सभी को जाना दोबारा साइड फोटो में, एंड उसके बाद आप सभी को जो ग्रीन वाला अपना लाइट का पेन लेता है उसी को ले लेना है, एंड उसका सेम स्टेप वही आप सभी को उसका ह्यू चेंज करके आपको वही ऑरेंज येलो कलर में इसको ले आना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, आपको यहाँ से जाना है ब्लेंडिंग मोड में इसके, ठीक है। यहाँ से कर देना स्क्रीन, एंड उसके बाद आप सभी को फोटो को जूम करके कुछ स्टेप से जो आपके जो जितना भी एरिया आ रहा होगा ये लालटेन के इसमें, उसको आपको वहाँ पे लगा देना है। एंड उसके बाद आप सबको कुछ स्टेप से रेज कर देना साइड साइड का एरिया, ठीक है। तो गाइस अच्छे से रेज करना, एंड जो मतलब कि यहाँ पे जो ज़्यादा एक्स्ट्रा ना रह जाए, ये गाइस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा जो लालटेन है उसका रिफ्लेक्शन हमारे पैरों के पास भी आ रहा है, तो आप सभी को कुछ स्टेप से कर देना, ठीक है। एंड इसका ओपेसिटी यहाँ पे आपको डाउन कर देनी है, डाउन कर देने के बाद आप सभी को फिर ज़्यादा कुछ करना नहीं, यहाँ पे कर देना डन। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को एक और काम आता है, जो कि है विगनेट का पीएनजी, जो कि मैंने गाइस आप सभी को दे रखा है, ठीक है। तो आप सभी को उसको ऐड कर लेना है, यहाँ पे ऐड कर लेने के बाद कुछ इस टाइप से इसका जो साइज़ है कुछ ज़्यादा थोड़ा बड़ा कर देना है, ठीक है, थोड़ा जितना कुछ रख देना है। एंड इतना कर देने के बाद गाइस आप सबको यहाँ पे सिंपली डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको फिर आगे क्या करना है, आप सभी को यहाँ से जाना गाइस टूल्स में, फिर एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आप सबको जो ब्राइटनेस ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, इरेजर टूल में जाना, इन्वर्ट कर देना साइज को छोटा करके, कुछ इस टाइप से आप सबको यहाँ पे अपना पेंट कर देना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे हमें जरूरत है इसकी डोजन बन की, तो आप वहाँ वहाँ पे कर देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी कर देते हैं, एंड उसका डन कर देंगे, एंड इसका जो अमाउंट है थोड़ा बढ़ा के रख देंगे, एंड उसका थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी हो गया। तो उसको हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स रख देंगे, एंड उसका यहाँ पे डन कर देंगे, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको फिर यहाँ पे फोटो को सेव कर लेना है, इसमें करनी है कलर करेक्शन, जो कि करते हैं हम लाइटर मैप के अंदर। तो गाइस हम यहाँ पे अपने लाइटर मैप को ओपन कर लेते हैं, एंड गाइस जब तक हमारा लाइटर मैप ओपन हो रहा है, और यार अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार आपको एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो लाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना,
तो चलिए गाइस बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है परफेक्टली, तो उसके बाद आप सभी को करना क्या है, आप सभी को इसे मैं थोड़ी सी कलर एडजस्टिंग करनी है, ठीक है। तो पहले से हम थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे, ठीक है गाइस, एंड इसका हम थोड़ा सा एक्सपोजर भी यहाँ पे आज बढ़ा लेंगे, ठीक है, थोड़ा एक्सपोजर को बढ़ा देना है। एंड गाइस आप चाहो तो इसके मतलब कि कॉन्ट्रास्ट को कम भी कर सकते हो, बट यार नाइट की फोटो तो आपको कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा ही देना है, ठीक है। उसका जो है हाईलाइट को आप सभी को थोड़ा कम कर देना है यहाँ पे, एंड जो शेडो है इसको भी कम कर देना है, ठीक है, क्योंकि नाइट की फोटो है ना। तो उसके बाद आप सभी को व्हाइट को बढ़ा देना है, एंड उसका ब्लैक को कम कर देना है। एंड इसके बाद गाइस आप सबको जाना कलर्स वाला ऑप्शन में, इसका जो वाइब्रेशन इसको बढ़ा देना है, एंड जो टेम्परेचर इसका माइनस कर देना है। एंड इसके बाद गाइस आप सबको जाना मिक्स में, एंड इसका जो कलर सेलेक्ट करके इसको माइनस कर देना है, एंड जो ल्यूमिनस इसको बढ़ा देना है, एंड येलो कलर को लेना है, इसके ह्यू को माइनस कर देना है, सैचुरेशन को प्लस कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको ग्रीन कलर को लेना है, एंड जो सॉरी ब्लू कलर को लेना है, उसके बाद ह्यू माइनस कर देना है, एंड सेकंड ब्लू में जाना है, इसके ह्यू को माइनस कर देना है, एंड सैचुरेशन प्लस कर देना है। एंड उसके बाद जाना है आपको पर्पल कलर में, इसके ह्यू सैचुरेशन को माइनस कर देना है। एंड उसके बाद जाना गाइस आप सबको कलर के नीचे वाले टूल में, इसके बाद जो फोटो क्लियरिटी को बढ़ा देना है, एंड यहाँ फोटो में वीगनेस डाल देना है हल्का सा। एंड उसके बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है आप सभी को, फिर यहाँ पे मिलेगा ग्रीन अमाउंट, आप सबको इसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में, फोटो जो शार्पनेस है इसको बढ़ा देना है, एंड जो नो ड्रॉप्स है आप सभी को इसको ही बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस नीचे स्क्रॉल करो तो कलर नोड ऑप्शन मिलेगा, आपको उसको भी बढ़ा देना है। एंड गाइस देखिए यहाँ पे फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट आप सभी के सामने आ चुका है। तो गाइस आप सभी को मैंने बिफोर आफ्टर भी दिखा दिया यहाँ पे, देखिए गाइस बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस आशा करता हूँ कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप में से कोई भी भाई चैनल पर ना है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि हम ऐसी अमेजिंग वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।